हेलो दोस्तों, एक बार कुछ बकरियां जंगल में चरने गई हुई थी। और जब वो जंगल में गई तो वहां पे एक शेर का छोटा सा बच्चा था। वो शेर का छोटा सा बच्चा गलती से इन बकरियों के साथ हो गया। अब उन बकरियों के झुंड के साथ वो शेर का बच्चा भी वापस से गांव में आ गया। धीरे धीरे समय बीतता गया, ये शेर का बच्चा बड़ा होता गया। और क्योंकि ये बचपन से ही बकरियों के साथ रहा था, तो ये अभी भी बकरियों के साथ ही रहता था, घास खाता था। जैसे बकरियां खेलती थी वैसे ये भी खेलता था। एक दिन वापिस से ये बकरियां जंगल में चरने गई थी। वहां पे एक बड़े शेर ने देखा, कह रहे ये तो हमारा ही बच्चा है, ये इन बकरियों के साथ क्या करने लग रहा है, ये घास क्यों खाने लग रहा है। तो वो जो बड़ा शेर था, वो बड़ा शेर इस छोटे बच्चे को पकड़ने के लिए भागा। तो जब बकरियां भागी, बकरियों ने देखा कि एक बड़ा शेर आने लग रहा हमारी तरफ, तो बकरियां भागने लगी और उनके साथ साथ ये शेर का बच्चा भी उनके साथ भागने लगा। अब बड़े शेर ने बड़ी मुश्किल से छोटे से बच्चे को पकड़ा, वो पकड़ के अपने पास लेके आया। तो बड़ा शेर बोला, अरे तू शेर का बच्चा है, इनके साथ क्या करने लग रहा है। तो छोटा बच्चा कहता, नहीं मैं तो हरदम ही नहीं के साथ रहा हूं, तो मैं ही नहीं जैसा हूं। बड़े शेर ने क्या किया, उसको एक तालाब के पास लेके गया और वहां पे दिखाया, बोला कि देखो तुम हमारे जैसे हो। इसी तरीके से हम लोग भी अपने जीवन में, हमारी कैपेबिलिटी शेर जैसी रहती है, लेकिन हम बकरियों के साथ रहने लग जाते हैं। जैसे बकरियां काम करती है, हमें भी लगता है कि हमारा भी लेवल उतना ही है, हमारी भी औकात उतनी, हम उससे ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकते हैं। एक बात समझिए, अगर आपको अपने जीवन में कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, तो आप बकरियों के साथ रह के कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं। आप जिस कार्य को करना चाहते हैं, आप उस ही प्रकार के लोगों के साथ रहिए, तभी आपको सक्सेस मिल सकती है, नहीं तो सक्सेस नहीं मिल सकती है। तो मैं आज आपके साथ ऐसे तीन प्रिंसिपल शेयर करने वाला हूं, जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे अपनी लाइफ में, ये डिसाइड करते टाइम कि मुझे किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं रहना है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहली चीज, आप ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपसे ज्यादा टैलेंटेड है। इंग्लिश में कहावत है, यू आर द एवरेज ऑफ द फाइव पीपल विद होम यू स्टे। तो आप पांच ऐसे लोगों का औसत रहते हैं जिनके साथ आप रहते हैं। तो अगर आपके दोस्तों का लेवल 10,000 या 20,000 रुपए महीने कमाने का है, तो आपका लेवल कभी भी 1,00,000 रुपए कमाने का नहीं हो सकता है। आपको इसीलिए हरदम जो आपकी संगत है, उसको हरदम ऐसे लोगों के साथ बनाइए जो आपसे थोड़े ज्यादा टैलेंटेड हो, ताकि आप उनसे कुछ सीख सको। दूसरी चीज, कभी भी ऐसे लोगों के साथ मत रहिए जो आपके अंदर कुछ कैपेबिलिटीज ना देख पाए। जैसे मैं आपको अपनी खुद की बात बताता हूं, जब मैं आईआईटी के लिए 10th क्लास में मैंने सोचा कि मैं आईआईटी की प्रिपरेशन करूंगा, तो मैं एक भैया थे उनके पास गया, तो मैंने उनको जाके कहा कि मुझे आईआईटी की प्रिपरेशन करनी है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कहां पे जा सकता हूं। तो उसने मेरे से पूछा कि आपके मार्क्स कितने हैं 10th में। मैंने कहा 78%। उन्होंने कहा कि तुम्हारा नहीं हो सकता है, क्योंकि उनका होता है जिनके मार्क्स 95-96% रहते हैं। मैंने आईआईटी दिया और मेरा आईआईटी क्वालिफाई हुआ। इसका मतलब ये है कि कभी भी ऐसे लोग जो आपको ये बताना चाहें कि तुम्हारा नहीं हो सकता है, ऐसे लोगों से दूर रहें, क्योंकि वो आपको एंकरेज नहीं करेंगे। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपके अंदर पॉजिटिविटी देखें, जो आपको सपोर्ट करें। प्रिंसिपल नंबर 3, कभी भी ऐसे लोगों के साथ ना रहें जो सिर्फ आपकी बड़ाई करते रहें। एंकरेजमेंट अलग रहता है और बड़ाई अलग रहती है, क्योंकि ये कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आप गलत भी कर रहे होंगे तो आपकी बड़ाई करते हुए दिखेंगे। और अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं और कोई हमें सही नहीं कर रहा, तो इस प्रकार के लोगों की तो संगत और ही ज्यादा बुरी है, क्योंकि ये लोग हमें कभी भी डुबा सकते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों के साथ रहे जो आपको करेक्ट भी कर सके जब आप गलती करें। तो अगर आप इन तीन चीजों का ध्यान रखेंगे, तो आपको बहुत ही आसानी होगी कि कैसे लोगों के साथ आपको रहना है। ओके, थैंक यू।